जय श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको नैतिक मूल से संबंधित पौंडेचेरी के नवाचारी शिक्षक द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मोरल ऑफ द स्टोरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को स्टोरी सुनना, कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनको जब भी आप कोई कहानी सुनाते हैं तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर बच्चों को आप अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, जैसे कि उनको पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं या फिर मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, किसी की बायोग्राफी सुनाते हैं, तो बच्चों को समझ में आता है किसी का व्यक्तित्व और वो मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, पंचतंत्र के साथ में वो हंसते रहते हैं। अगर हर तरह की कहानियां बच्चों को सुनाई जाती हैं तो बोर नहीं लगता उनको, उनको लगता है कि हाँ उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है और वो बहुत सारी चीज़ें सीख भी जाते हैं। तो ये एक्टिविटी, ये नवाचार, ये गतिविधि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो आइए जानते हैं इसको सबसे पहले आप अपने विद्यालय में किस तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं। इसको क्रियान्वित करने के लिए बच्चों को आप जब भी पढ़ाते हैं तो आपको क्या करना है कि कहानियाँ सुनानी, आप लाइब्रेरी से कोई बुक ले सकते हैं या फिर कोई भी कहानी जो आप चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बेटा आपने इस कहानी से क्या सीखा, जो भी आपने इस कहानी से सीखा है आप बताएं। तो बच्चे जो बता पाते हैं वो उस टाइम बता देते हैं, या फिर बच्चों को ये आप एक होमवर्क के रूप में भी टास्क दे सकते हैं कि जो आपने सीखा है उसको आप लिख के लाएं, या अपना समय लेके इस समय भी लिख सकते हैं होमवर्क के रूप में। वो घर से लिख के लेके आते हैं, दूसरे दिन विद्यालय में पढ़ के बताते हैं, सुनाते हैं और अपनी किताब नोटबुक जमा कर देते हैं वहाँ कि हाँ देखिए सर जो हमने लिखा है यहाँ पे, कैसा हमने लिखा है, क्या हमने समझा है, सही समझा है। तो बच्चों के अंदर बहुत सारी चीज़ें नई निकल के आती हैं। क्या होता है कि उनको राइटिंग स्किल बढ़ जाती है, एनालाइज करना जान जाते हैं कि हाँ किस तरह से क्या कहना चाह रहा था, क्या व्यक्तित्व। इसके साथ साथ दूसरे तरीके से इस एक्टिविटी को आप करा सकते हैं, जैसे कि पपेट्स के साथ आप अगर कोई खिलौने हैं तो उनको आप करा सकते हैं, कोई खिलौना बोल रहा है आपस में बातचीत करते हुए, कुछ बच्चे आके वहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बैंगन ने बोला भिंडी से, तो बच्चा बैंगन बना के ले आता है कागज़ से या फिर भिंडी बना के ले आता है। इस तरह से आपस में बात करते हुए बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं और कुछ नया सीख भी जाते हैं। उसके बाद में जैसे स्टोरी समाप्त हो गई तो बच्चों से बोला गया कि बेटा आपने क्या सीखा, अच्छा स्टोरी से क्या सीखने को मिला। तो जो बच्चे होते हैं वो उस मोरल ऑफ द स्टोरी उस समय जो बता पाते हैं बता देते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं घर से होमवर्क के रूप में मोरल ऑफ द स्टोरी लिख के लाते हैं कॉपी में और कॉपी दूसरे दिन जमा कर देते हैं शिक्षक को कि हाँ मैं ये लिख के लाया था, अब आप बताएं सही है या गलत। तो हम आशा करते हैं इस नवाचार को अपने विद्यालय में आप ज़रूर क्रियान्वित करेंगे। ऐसे ही कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत